हम लोग खड़े हैं अभी टेढ़ागाछ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आदिवासी टोला में। पिछले 3 वर्षों से ये डाइवर्सन पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्यालय है, उच्च विद्यालय भी है, प्रवर्तित विद्यालय भी है, यहाँ आंगनबाड़ी भी है, लेकिन 3 साल से कितने बार से अखबार के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन जिसका तस है। इस बार बरसात में लगभग यहाँ 4 से 5 फीट पानी लगता है और छोटे छोटे बच्चे विद्यालय आते हैं, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है विकास के लिए, लेकिन विकास देखा जाए तो विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। सुशासन की सरकार में लोग बोलता है कि विकास हो रहा है, आप विकास देख सकते हैं कि ये 4 वर्ष से ऐसे पड़ा हुआ अर्धनिर्मित। यहाँ का ग्रामीण स्थानीय ग्रामीणों बोला है कि यहाँ के बच्चे को पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती है, खास करके बगल में नदी है, इसमें लगभग 4 से 3 फीट पानी लगता है, यहाँ बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, लेकिन यहाँ पर विकास की पोल खुलती आ रही है। नीतीश कुमार का दावा है कि मेरा घर घर बिजली और नली गली है, लेकिन धरातल स्कूल का आगे में ही आप देख सकते हैं विकास कितना हुआ है।